एक बार फिर फरीदकोट दियां रहण वालियां दो सकियां भैणां ने पूरी दुनिया दे विच पंजाब दा नां रोशन कीता है। तुहानूं दस दईए कि दोवें भैणां ने असाम दे विच होए नैशनल पद्धर दे गतका मुकाबले दे विच इक सिल्वर अते दो गोल्ड मैडल हासिल कीते ने। घर पुजन उत्ते इन्हां दोवां भैणां दा हार पा के शानदार स्वागत किया गया। इस मौके एकमजोत कौर अते मनछू कौर ने दस्या कि साढ़े गुरुआं दे वलों बख्शी गतके की दात नूं उह होर अगे ले जाना चाहुंदियां ने। क्या खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम एकमजोत कौर है अते मैं डॉक्टर चंदा सिंह मरवा सीनियर सैकेंडरी स्कूल की विद्यार्थिन हाँ ते मैं नौवीं क्लास में पढ़ती हाँ। मेरा सारे नों वड्डा शौक यही सी कि मैं वड्डी होकर गतका खेडा ते गतका खेड के ही मैं ओलंपिक विच वी जावां ते इस विच मतलब कि ये साढ़े प्राणी गुरुआं ने सानूं बख्शी वी ये दात, इसलिए असीं इन्हां नूं बहुत ज़्यादा गांह तक लैके जाना चाहुंदे हाँ। अते साढ़े उस्ताद जी ते आरती दीदी उस्ताद जी गुरप्रीत सिंह ये सानूं कोचिंग दे रहे हैं कि तुसीं होर वी अगे दो जाओ ते मतलब कि वधिया करो जाके बेस्ट दिखाओ आपदा। ते नरेश सर दा धन्नवाद, प्रिंसीपल सर जिन्हां ने साडी बहुत मदद कीती अगे जाण विच ते वी थैंक्सफुल कीता, वधिया सन्मानित कीता सानूं स्कूल विच। सानूं बहुत खुशी होई अज्ज ते असीं अपने माता पिता दा नाम रोशन कीता, जिले दा भी नाम रोशन कीता, उस्ताद जी दा ते आरती दीदी दा ते प्रिंसीपल सर दा भी नाम रोशन कीता। उन्हां ने कहा कि जिन्हां तक तुसीं पढ़ोगे तुहाडी सारी पढ़ाई फ्री होवेगी ते असीं गांह तक हुण गतका खेडना चाहुंदे हां। मेरा सारे नालों वड्डा सुपना है कि मैं वड्डी हो के आर्मी विच लगा। धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम मनछू कौर है अते मैं डॉक्टर चंदा सिंह मरवार सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कोटकपुरा विखे मैं नौवीं बी जमात विच पढ़दी हाँ जो कि नैशनल असाम विच सी। उत्थों असीं गोल्ड मैडल अते सिल्वर प्राप्त करके लियाए हाँ। परिवार साडा काम साडी मजदूरी काम करनी। मेरे दादा जी भी मजदूरी करदे सी ते मेरे माता पिता भी मजदूरी करदे हन जो कि साडे स्कूल दे प्रिंसीपल सर अते नरेश सर उन्हां ने साडा बहुत ही थैंकफुल किया। नाल ही उन्होंने साडी बहुत ज़्यादा सहायता की जो कि साड़ी नैशनल विच जाने लई उन्होंने बहुत सहायता की। नाल ही साडे गुरप्रीत सिंह कोच ने इन्होंने भी साड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत की। जिस स्कूल वालों सानूं सहायता यह मिली कि वह कहें जिन्ना तिकर तुसीं पढ़ोंगे जिते तिकर तुसीं पढ़ोंगे उतों तिकर तुहाडी सारी पढ़ाई फ्री होएगी। गतका खेड विच असीं गोल्ड मैडल अते सिल्वर मैडल प्राप्त करके लियाए हाँ। जो कि साडे उस्ताद जी गुरप्रीत सिंह अते मैम आरती इन्हां दी बदौलत दे नाल असीं मेहनत लगाते सी ते मेहनत लगाई दा मुल पै गया। इस करके असी इस खेड नूं बहुत ही ज़्यादा लैवल ते अगे ले जाना चाहुंदे हां क्योंकि ये साडी गुरुआं दी पुरानी खेड है। मैं हुण वड्डी हो के अगे IPS बनना चाहुंदी हां। की नाम है ते की कहना चाहोगे तुसी? मेरा नाम आरती है जी। मैं भी पहला एक गतके दी स्टूडेंट रह चुकी हां, फिर हौली हौली मैनू बच्चों सिखाउण दा मौका मिलिया। इस स्कूल विच मैं क्लास स्टार्ट की ते इसी स्कूल दे सिखाए हुए बच्चे अज नैशनल लैवल तक खेड के आए ने। मैं बच्चों होर भी अगे तक पहुँचाना चाहनी हाँ प्रैक्टिस करवा के ताकि बच्चे स्कूल का नहीं पूरे पंजाब का पूरे इंडिया का नाम रोशन करें। जो इन्हें प्रैक्टिस करवानी शुरू की है सोचा सी कि भी इतों तक जाएंगे बच्चे है? क्योंकि मैं एक आप भी प्लेयर रह चुकी हूँ, नैशनल मैडल च मेरा भी गोल्ड मैडलिस्ट रह चुकी हाँ। मैनू उम्मीद सी मेरे सिखाए हुए बच्चे जरूर अज इतों तक पहुँचेंगे। सरकार तो मंग यही है सानू बच्चों वध तो वध सपोर्ट की जाए खेडन लई। सारे गरीब परिवार के बच्चे ने कई बार खेडन तो भी नहीं जाया जाता उन्होंने तो पैसा करके उन्हों की सहूलत की जाए ता कि बच्चे गांह जा सकन। दास गुरप्रीत सिंह जिला गतका कोच कोटकपुरा। सानू बड़ा माण महसूस हो रहा है कि साढ़े जिले दियां बच्चियां जो समय समय से गोल्ड मैडल प्राप्त करके इंटरवर्सिटी यूनिवर्सिटी हर लैवल से बच्चे जो गोल्ड मैडल लैके आते हैं पर स्कूल लैवल दे विच नैशनल दे विचों पहली बार दो बच्चे जो गोल्ड मैडल लैके आए हैं सानू बड़ी खुशी हुई। अते कल जो साडा मीडिया वाले वीर ने अते जो प्रिंसीपल सर साडे सरदार कुलतार सिंह जी बराड़ जो जिला प्रधान ने उन्होंने सानू इत्थे जदों आउण ते जीओ आया आख्या बड़ा माण महसूस होया कि बच्चों का जिन्ना सत्कार होया क्योंकि बच्चे बहुत ही लो फैमिली दे विचों हन। बड़ी कृपा की गुरु साहब ने इन्हां बच्चों नू नैशनल तक पहुँचाउण लई। सरदार प्रभजोत सिंह जी प्रिंसीपल नरेश सर इन्हां दा बहुत वड्डा सहयोग है क्योंकि बच्चों नू जाण वेले भी इन्हां ने जो ट्रेन दे विच बच्चों ने वो टिकट का जो कोई खाण पीण का खर्चा सारा प्रिंसीपल स्टाफ वालों ही किया गया सी। इन्हां वीरां दा धन्नवाद करदे हां जी, उन्हां दी बदौलत ही साडे बच्चे इस लैवल तक पहुँचे। अगली प्लैनिंग सर हुण
18 तरीक नूं फिर साडी मतलब स्टेट हो रही है जी टांडे विखे, साडियां बच्चियां भी उत्थे जा रही ने। 18, 19 ते 20 तरीक नूं असीं टांडे स्टेट हो रही है दुबारा फिर असीं उत्थे फिर लैके जा रहे। फरीदकोट दे सर टोटल अपने 4 गोल्ड है जी, 1 सिल्वर मैडल है जी, सॉरी 5 गोल्ड है जी, 1 सिल्वर मैडल है। सर भी मेरे बच्चों का पालन पोषण मैं किया कि इहदे पापा भी मतलब मेहनत करते हैं, मैं आप घर काम करती हाँ तो मैं आपके बच्चों शिक्षा दिनी हाँ कि मेरे बच्चे अगे वधन, तो भी मेरे घर की गरीबी आ जिहड़ी मेरे बच्चों की, जे मेरे बच्चे अगे वध जाणगे मेरे घर की गरीबी चक्की जाऊगी कि मेरे इन्नी भी मेरे को है नहीं गी पहुँच कि मैं आपके बच्चों को चंगे स्कूल पढ़ावा। पर मैं अज प्रिंसीपल की वजह न मेरे बच्चे इतों तक जा रहे हैं, पर मैं प्रिंसीपल वालों बहुत माण है कि उन्होंने मेरे बच्चों की अज कह के सानू भी असी पढ़ाई फ्री की आ कि सारे जितों तक बच्चे तेरे अगे जाना चाहते आ असी भेजांगे। सानू ये प्रिंसीपल ते माण भी है कि जे मेरे बच्चे जितों तक जाना चाहणगे ये पहुँचणगे, क्योंकि ये सारा कुछ स्कूल वालों ही होगा मेरे बच्चों नाल। साढ़े पिछे गुरु सीगे, वो गुरुआं दा ये शुरू तो इतिहास सीगा, ते अज वो इतिहास साढ़े बच्चे अगे लियाउणा चाहुंदे ने। जे अज वो साडा इतिहास अगे आऊगा, साढ़े जिहड़े अज नौजवान पीढ़ी है देख लो तुसीं नशियां च बर्बाद हो रही आ, पर वो नौजवान पीढ़ी जिहड़ी आ वो नशियां तों बच सकदी आ जे कि साढ़े पुराने गुरुआं दा इतिहास आ जाए कि साढ़े बच्चे पुरानी जिहड़ी पुरानी गुरुआं दी सिक्खी दी जांदी है ना गेम, कि साढ़े बच्चे उहो ही गेम खेडण, क्योंकि जे अज वो बच्चे गेम खेड रहे हैं ना इन्हां गेमां दे नाल मेरियां बेटियां नूं वेख के कोई अज 10 बच्चों के मन च आया होगा कि असीं भी ही आपदे गुरुआं वाली बच्चियां ने खेड खेडनी आ, क्योंकि वो बच्चियां दी जगह तो नशा दूर हो सकता है जदों साडियां बच्चियां इन्ने इन्ने लेवल खेडणगियां, क्योंकि वो सारे बच्चों नूं जिहड़े साडे अज दे पंजाब च बेटे ने वो नशे ते बर्बाद हो ही जांदे आ। देखो तुसीं ये भी देखा होगा कि कितें भी मर्जी देख लो बच्चियां ही अगे जा रही हैं, बेटा कोई अगे नहीं वध रहा। असीं तां सरकार नूं इह कहिंदे आ कि जे साडे घर दे कोई भी हालात वेख सकदा आ कि घर दे कि जे मैनूं कोई भी सहूलत भी सरकार वल्लों दित्ती जावे तो भी मैं बहुत धन्नवाद करदी हाँ सरकार दा। तुहानू दस दिए कि भावें दोवें भैणां गरीब परिवार के नाल संबंध रखदियां ने, पर इन्हां दे हौसले बहुत वड्डे ने, इन्हां दा सुपना आर्मी अफसर अते IPS अफसर बन के देश की सेवा करना है। फरीदकोट तो जगतार दोसाएं की रिपोर्ट, जगबाणी TV। ਬਈ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹਲੋ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਉਹ ਬਈ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੂਲਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੇ 0 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਓ, 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ